तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मी वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम फिर से खेलने वाले हैं मल्टीक्राफ्ट। और गाइस, पिछली वीडियो में तुम लोगों को याद ही होगा कि मैंने खेला था एक स्मॉल वर्ल्ड। तो भाई आज हम फिर से वही खेलने वाले हैं। तो भाई करते हैं वीडियो को स्टार्ट, क्योंकि पिछली बार मुझे बहुत ज़्यादा मजा आया था। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सकते हो तुम लोग, अपनी खेती इतनी स्ट्रीम हो चुकी है। और हाँ, मैंने सोचा था कि यहाँ पर बीट उग चुकी होगी, मतलब इतनी बड़ी बड़ी होगी है, तो मुझे लगा कि उगी गई होगी। तो बस मैं यही सोचने के चक्कर में मैंने एक को तोड़ के देखा और भाई ये हुआ मेरे साथ। पर हाँ, इसमें से जो इधर वाली है ना, मतलब कौन सी वाली थी अब मुझे याद नहीं, मैंने उसी में से कोई एक तोड़ी थी। और हाँ, मैंने एक क्या और कुछ भी नहीं किया है। अब चलते हैं और अब मैं करता हूँ और भी कुछ काम। और हाँ, सबसे मेन चीज़ ये है कि मुझे एक बनानी है अपने लिए, एक चेस्ट बनानी है। सबसे मेन चीज़ तो यही है अभी के लिए। तो चेस्ट के लिए मुझे वुड चाहिए होगी, तो मैं वुड ले लेता हूँ, यहीं से ले लेते हैं। अब क्या करें, है तो है नहीं कोई, इतनी ज़्यादा कमी पड़ रही है अपने पास। और इधर से भी ले लेते हैं, क्या हुआ, वुड तो मतलब सेम ही है ना सारी। पर भाई इस वाले वर्ल्ड में इतना ज़्यादा मुझे, अबे ये चीज़ सही है, मतलब एक तोड़ो तो इसकी एक पेड़ भी मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर लगाना चाहूँगा इसको और चल निकल। हाँ तो गाइस, अब मैं इनकी मतलब क्या कहते हैं उनको, इनका नाम मुझे नहीं याद था, प्लैंक कहते हैं शायद से, प्लैंक्स ऐसे ही कुछ नाम है इसका। तो अब मैं बना लेता हूँ एक चेस्ट, अगर इन दोनों से मिलकर चेस्ट बनती हो तो चेस्ट बन जाएगी, अच्छा है। अरे वाह, एक बार में बनेगी। हाँ तो अब मैं चेस्ट लगा लेता हूँ और मुझे इसमें रखना है जैसे कि अपने ये वाले टूल, जैसे कि पिकैक्स अपने पास है तो है नहीं इतने ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा कुछ है तो है नहीं। और मैं सोच रहा हूँ इन्हीं में से एक्स भी रखवा देता हूँ और ये भी रखवा देता हूँ। ये सारी चीज़ें स्टोन की बना लेते हैं, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा गरीबी चल रही है अभी के इस टाइम में। तो भाई मेरे पास खाना तलक नहीं है, मैं तो बस ये इस चीज़ के टेंशन में हूँ कि कब मेरा खाना उगेगा और हम कब उसको खा पाएंगे। तो बस उगना भी, मतलब भाई देख सकते हो तुम लोग इतना, अबे यार तोता बैठा था, मुझे लगा कि लाल भी होने लग गया। तो चलो कोई बात नहीं, अब मैं इनसे सारे अपने टूल वगैरह बना लेता हूँ। जैसे कि एक पिकैक्स चाहिए, पिकैक्स हो गई, अब एक एक्स चाहिए, तो ये भी बन चुकी है। अब मुझे चाहिए एक सबल, बस। तो भाई अपनी ये चीज़ें बन चुकी हैं, तो अब मैं सोच रहा हूँ एक हॉर बना लेते हैं। हॉ कैसे बनती है, हाँ तो भाई ये बन चुकी है हमारी हॉबी। तो अब मैं देख लेता हूँ और मुझे आज क्या करना है। तो भाई सबसे पहले तो सामान फालतू का रखवा देते हैं, नहीं ये फालतू का नहीं है आज मैं अपनी। ओ भाई वो क्या है भाई, झूम करके तुम लोग, मतलब झूम करके क्या, मतलब तुम लोग दूर से देखो भाई, एक टापू सा मुझे दिख रहा है। अब वहाँ तक हम आज नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि भाई इतना अपन के पास कुछ है भी नहीं है, स्टोन वगैरह कुछ भी नहीं है ऐसा। और भाई सबसे मेन चीज़ तो यहाँ पर एक दिक्कत है बेड की, बस एक बेड और मिल जाए ना तो अपना काम इतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। अबे यार ये तो इतनी बुरी मरी मराई सी चलेगी, अबे यार दिक्कत है ये तो। थोड़ा सा आयरन और मिल जाए बस। ओ भाई अपने को गोल्ड मिल चुका है भाई साहब, मतलब दो दो गोल्ड मिल चुके, अबे यार दो दो गोल्ड मिल चुके हैं अपने पास, तो चलो अच्छी बात है ये भी। और यहाँ पर मैंने कल टॉर्च लग, ओ भाई यहाँ पर भी आयरन है, मतलब पिछली वीडियो में अपना ध्यान था इधर के नहीं था मुझे पता नहीं, पर यहाँ पर आयरन, ओ भाई इधर भी है, मतलब ये चीज़ अच्छी है भाई, चार आयरन मिल चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ इनका टूल वगैरह बना ले कुछ, और पता नहीं, चलो देखते हैं आगे आगे। और अब मैं सोच रहा हूँ आज की वीडियो में मैं अपनी जगह थोड़ी सी बढ़ा लूँ, और अगर हमारा खाना अब तक उग जाता है तो मैं ये भी सोच रहा हूँ खाना भी उगा लेते हैं, ये भी एक सब एकदम सही चीज़ है। तो खाना भी उगाने की कोशिश करेंगे। और हाँ सबसे मेन चीज़ तो मुझे एक बेड बनाने के लिए मुझे कुछ चाहिए, मतलब एक भेड़ और कहीं से आ जाए, मतलब भाई स्पॉन हो जाए तो अच्छा है। और मैं सोच रहा हूँ भेड़ भेड़ शायद से यही खाती है, वीट खाती है, अगर ये खा लेती होगी तो शायद से एक और भीड़ आ जाए, मतलब अच्छा है। भाई यहाँ पर मैं टॉर्च लगाने के लिए लेकर आता हूँ, टॉर्च मेरे पास है, अरे हाँ आती हैं, तो मैं पहले टॉर्च लगा देता हूँ। मुझे इतना अंधेरा बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करता है अंधेरा मुझे। तो भाई अब मैं इधर की भी थोड़ी बहुत माइनिंग कर लेता हूँ। ओ भाई यहाँ पर भी मुझे गोल्ड मिल चुका है थोड़ा सा, तो भाई ये चीज़ अच्छी है कि अपने पास सारा सामान होता जाएगा, मतलब दो दो गोल्ड है तो अपने पास चार गोल्ड ऑलरेडी हो चुके हैं,
तो चलो अच्छी बात है। और आज मैं अपने जगह को थोड़ा सा और बढ़ाने वाला हूँ जिससे हम अच्छे से रह सके। तो मैं सोच रहा हूँ अपनी खेती को थोड़ा सा बढ़ा दें क्योंकि भाई वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो चलो अभी देखते हैं। तो भाई जितना मैंने माइन किया उतना काफ़ी। अब मैं देख लेता हूँ सुबह। अबे यार सुबह कब होगी पता नहीं। मैं देख रहा हूँ शायद से भेड़ अगर वो वीट खाती होगी तो मेरे पास एक वीट रखा हुआ है तो खिला ही देता हूँ, कम से कम कुछ तो फ़ायदा मिलेगा। अबे यार वो खा गई, फालतू का कुछ दिया भी नहीं, ये तो बेकार है। तो अब मैं फिर से माइनिंग पे जाता हूँ और सुबह होने का वेट करते हैं। तो भाई जैसे ही सुबह हो जाएगी तो हम अपनी जगह को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, ये अच्छी बात है। मतलब थोड़ी सी जगह और बढ़ जाएगी तो अपने पास रहने की भी जगह अच्छी खासी हो जाएगी। तो बस, तो भाई मुझे लग रहा है सुबह होने वाली है तो मैं सोच रहा हूँ अपनी जगह को इस तरफ से बढ़ाना स्टार्ट। नहीं भाई सूरज निकल रहा है तो आज हम सनराइज़ कहते हैं ना, हाँ सनराइज़ होते हुए देखेंगे। तो चलो, ओ भाई एकदम में दिन हो गया। तो भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा मस्त है। तो अब मैं बना लेता हूँ अपनी जगह को और भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा। ये कौन है? तोता है। हाँ तो मेरे पास स्टोन तो बहुत सारा होना चाहिए। हाँ पिछली बार मेरे पास 2 स्टैक हो चुके थे, तुम लोगों को तो याद ही होगा। तो भाई ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रही है, सबसे ज़्यादा मुश्किल। भाई डर लग रहा है मुझे, अब मैं क्या करूँ? और ज़रूरी भी है बढ़ाना भाई। कोशिश करता हूँ धीरे 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 धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ाने की। अबे यार डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। अगर मैंने शिफ्ट का बटन हटा दिया भाई सीधा नीचे जाऊँगा, सीधा एकदम। भाई साहब मुझे डर भी लग रहा है। तो अब मैं थोड़ी सी वीडियो फास्ट कर देता हूँ। लो फूड भी खा गए ये लोग हमारा। अबे यार एक चीज थी जीने के लिए, वो भी ले ली इन लोगों ने, अब क्या करूं। अरे गाजर उग चुकी है अपनी, आलू भी उग चुका है भाई। बीट और उग जा भाई, बस इतना सा मैं कहना चाहता हूँ, बस बीट और उग जाए एक बार भाई। फूड है नहीं है, अब क्या करूं, मेरे पास फूड की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। ये तोते से कुछ मिलता है खाने को? मिलता हूँ मैं मार दूंगा, मुझे भाई खाना चाहिए, बस इतना सा है खाना चाहिए। तो दोबारा से करना स्टार्ट करते हैं, इतना ही काम अपने पास रह गया है। तो क्या अभी अभी मैंने देखा भाई साहब मेरी भेड़ इस सुअर के ऊपर चढ़ गई भाई साहब, नीचे मतलब नीचे कूद गई। इतने दिनों से यहाँ पर बनती भाई साहब, उतने आत्महत्या कर ली। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब मेरा मन कर रहा है इनको भी मार दूं। अब मतलब इनको रख के क्या होगा, मतलब एक तो दो लोग तो चली गई, अच्छी भली मुझको मतलब इतना खाना मिल जाता और थोड़ी बहुत चीज़ें और मिल जाती, पर भाई मैंने ही उसको मतलब कुछ भी नहीं कहा, वो बेचारी चली गई। चली क्या गई, मतलब मर गई वो वाली भाई साहब नीचे कूद के। तो भाई मैंने इनको भी मार दिया, मुझे थोड़ा बहुत तो खाना मिलेगा ही, इससे बस काफ़ी है। ओ भाई यहाँ पर एक खरगोश भी आ चुका है, बिल्ली आ चुकी है, तोता भी आ चुका है। ओ भाई साहब ये चीज़ सही है। और ये मेरे पास खाना, इतना सारा खाना, इसका मैं क्या करूँगा। अबे यार मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है आज की वीडियो में भाई साहब। पिछली वीडियो इतनी अच्छी थी ना, उसमें भाई साहब मुझे इतना मतलब दो खाना मिला था एक बार में ही, दो चीज़ें मिली थी खाने के लिए। इसको रख दूँ? रख दिया। तो भाई कुछ तो मिलेगा ही, इससे कुछ फ़ायदा तो होगा। एक खाना मिल चुका है अपने पास, ये क्या नाम है उसका, कॉप और पता नहीं क्या है, मैं इसको खा लेता हूँ भाई साहब। मुझे इतना भाई साहब मतलब हमारी भेड़ भी मर चुकी है, पर ये अच्छा है कि हमारे पास इतनी हेल्थ हो चुकी है ऑलरेडी। तो अब मैं अपनी बॉल और बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ भाई। मुझे आज बहुत ज़्यादा मतलब इतना मेरे पास स्टोन है ना, ये सारा मैं एक बार में ही लगाना चाहता हूँ इसमें। तो भाई एक और चीज़ अभी मैं दिखाने वाला हूँ तुम लोगों को। अब मैं अपने टूल वही वाले इस्तेमाल करने वाला हूँ जो अभी मेरे पास थे। बस इस पिकैक्स को ख़त्म होने के बाद मतलब वो नीचे वाली जो जगह है ना पूरा मैं खोदना चाहता हूँ उसको, और उसको पूरा खोदने के बाद मैं ये वाली पिकैक्स छोड़ दूंगा। तो गाइस वीडियो तो तुम लोगों को पसंद आई होगी, भाई साहब बहुत छोटी वीडियो थी पर कोई बात नहीं, आज की वीडियो में इतना ही था और बाकी का पार्ट इसी वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग जरूर से देख लेना। तो गाइस वीडियो तो तुम लोगों को पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू टुमारो।